Peace, mercy and blessings of Almighty God be upon you. Welcome to International Speakers Academy. I am Mahuddin Shaikh, your English communication skills and powerful public speaking trainer and instructor. Aaj main spellings rules ke lesson number 3 ke saath aapke samne main hazir hoon. Isse pehle ki main lesson shuru karun, main pehle ke do lessons ko revise karna chahta hoon. In very first lesson, पहले लेसन के अंदर में मैंने आपको बताया था कि वॉवेल क्या होता है, उसकी आवाज क्या होती है, उसको जोड़कर कैसे आप वर्ड बना सकते हैं. फिर लेसन नंबर 2 में मैंने ये बताया था कि अब जब आखिर के अंदर में, लास्ट के अंदर में ई जब ऐड करते हो तो उसकी आवाज क्या होती है. एंड टुडे लेसन नंबर 3, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल नाउ, जब दो वॉवेल एक साथ आ जाए तो उसकी आवाज क्या होगी, उसको कैसे पढ़ेंगे. इससे पहले आपने सीखा कि वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू जब अकेले आएगा तो उसको किस तरह से पढ़ना है. लेकिन आज आप सीखेंगे, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जब दो वॉवेल साथ में आ जाए तो उसको किस तरह से पढ़ेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, अगर जब ए और आई साथ में आ जाए, क्या ए और आई साथ में आ जाए तो उसको आप किस तरह से पढ़ेंगे. ए आई जब साथ में आए तो उसकी आवाज ए हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए. फॉर एग्जाम्पल, पी ए आई एल, इसको पढ़ेंगे पेल, पी ए आई एल, पेल. यू ऑल्सो रिपीट आफ्टर मी, आप भी मेरे साथ रिपीट करें ताकि जो ये वर्ड्स हैं आपके जबान पे आसानी से बैठ जाए. एम ए आई एल, मेल. एस ए आई एल, सेल. पी ए आई एन, पेन. एम ए आई एन, मेन. सो ए आई जब साथ में हो तो उसकी आवाज ए होती है. नाउ दूसरा, ई और ए जब साथ में आ जाए, वॉवेल ई और ए जब साथ में आए तो उसकी आवाज ई हो जाएगी. कुछ लेटर्स के अंदर में ई ए की आवाज ए होती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है. वो कुछ लेटर, कुछ वर्ड्स हैं वो, उसको मैं आपको अलग से सिखाऊंगा. लेकिन मोस्टली 90% जब ई और ए जब साथ में आए तो उसकी आवाज ई होती है, क्या होती है, ई. वेरी गुड. नाउ लेट्स रीड द वर्ड्स. एम ई ए एल, मील. बी ई ए एन, बीन. एल ई ए एन, लीन. बी ई ए टी, बीट. एम ई ए टी, मीट. सो दिस वॉज द रूल ऑफ ई और ए. जब ई और ए जब साथ में आ जाए तो किस तरह से पढ़ेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. जब ओ और ए साथ में आ जाए, जब ओ और ए जब साथ में आ जाए तो उसको हम लोग ओ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओ. नाउ लेट्स रीड. सी ओ ए टी, कोट. बी ओ ए टी, बोट. टी ओ ए डी, टोड. आर ओ ए डी, रोड. एम ओ ए एन, मोन. इसी तरह से जब डबल ई साथ में आ जाए तो डबल ई को ई थोड़ा सा खींचना है, ई की आवाज आएगी. लेट्स सी. एस डबल ई, सी. बी डबल ई, बी. एफ डबल ई एल, फील. के डबल ई पी, कीप. डब्ल्यू डबल ई पी, वी. डबल ई और आई में फर्क यह है कि जब आई होगी तो आई की आवाज भी ई होती है, लेकिन आई को थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और डबल ई की आवाज को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे. सेकेंड इज डबल ओ. जब डबल ओ साथ में हो तो उसको ओ पढ़ेंगे, थोड़ा उसको भी खींचना है. नाउ लेट्स हाउ टू रीड इट. बी डबल ओ के, बी डबल ओ के, बुक. टी डबल ओ के, टूक. एम डबल ओ एन, मून. एस डबल ओ एन, सून. एन डबल ओ एन, नून. सो ये था जब दो वॉवेल साथ में आए उसकी आवाज. सो आई रिक्वेस्ट यू टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स. वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को बार बार देखें और इसको प्रैक्टिस करें, और इस तरह के वर्ड्स आप लिखें और उसको प्रैक्टिस करें. इससे क्या होगा कि आपका पढ़ना आसान होगा, आप आसान समझ के पढ़ सकते हैं, और कुछ लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं. तो आज इतना ही काफी है. दैट्स इट. I will catch you in next video with another lesson in lesson number 4. So
बाय देन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.